दोस्तों 2018 की सुपरहिट मूवी केजीएफ चैप्टर फर्स्ट ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था। जहां केजीएफ फर्स्ट में रॉकी और यश को मूवी ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी पसंद किया गया। जहां इस मूवी ने 250 करोड़ रुपए कमाकर कीर्तिमान रच दिया, वहीं केजीएफ चैप्टर 2 इतिहास रचने वाली है। इस मूवी का इंतजार पूरे देश के लोगों को है। यदि आप भी यश के फैंस हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों जहां केजीएफ फर्स्ट में जो पर्दा नहीं उठा वह उठने वाला है इसके चैप्टर सेकंड में। आपको बता दें इसके फर्स्ट चैप्टर को डायरेक्ट करने वाले प्रशांत नील के बारे में। डायरेक्टर प्रशांत नील ने केजीएफ सेकंड की तैयारी पूरी कर ली है। तो चलिए जानते हैं इस मूवी में मुख्य अभिनेता यश और अन्य कलाकारों ने आखिर कितने रुपये तक चार्ज किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्टर प्रशांत नील की, जिन्होंने ना केवल इसको डायरेक्ट किया बल्कि इसको लिखा भी है और इसके डायलॉग भी दिए हैं। आपको बता दें कि प्रशांत नील ने केजीएफ चैप्टर सेकंड के लिए 10 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। केजीएफ चैप्टर फर्स्ट में अधीरा का फेस ना दिखने के कारण वहीं केजीएफ सेकंड में अधीरा का रोल निभाने वाले संजय दत्त, जिनका इंतज़ार उनके फैंस लगातार कर रहे हैं और वो अधीरा के मुख्य रोल में नज़र आने वाले हैं। आपको बता दें संजय दत्त ने इस रोल के लिए 6 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। केजीएफ चैप्टर फर्स्ट में रोड पर दारू और पार्टी करने वाली रॉकी भाई की गर्लफ्रेंड रीना देसाई का रोल निभाने वाली श्रीनिधि शेट्टी की यदि बात की जाए तो श्रीनिधि शेट्टी चैप्टर 2 में भी रॉकी भाई के साथ नज़र आने वाली हैं और इस रोल के लिए उन्होंने 80 लाख रुपए चार्ज किए हैं। केजीएफ फर्स्ट की तरह सेकंड में भी आइटम सॉन्ग देने के लिए म्यूजिक कंपोजर ने 40 लाख रुपये चार्ज किए हैं। वहीं अब बात करते हैं रॉकिंग स्टार यानी यश, जिन्होंने चैप्टर फर्स्ट में सभी लोगों का दिल जीत लिया और चैप्टर सेकंड में भी वो मुख्य भूमिका में नजर आने वाले हैं। रॉकी भाई ने जहां केजीएफ फर्स्ट के लिए 2 से 3 करोड़ रुपए चार्ज किए थे, वहीं केजीएफ सेकंड में दोस्तों उन्होंने 5 गुना रकम वसूल की है। जी हाँ, केजीएफ चैप्टर सेकंड के लिए रॉकी भाई ने 15 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। तो केजीएफ चैप्टर सेकंड का इंतज़ार होने वाला है जल्दी ही समाप्त। यदि आप भी यश के फैन हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और केजीएफ चैप्टर फर्स्ट में जो डायलॉग आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।